श्री अजीत सिंह हेड कांस्टेबल जीडी 204 कोबरा सीआरपीएफ मरणोपरांत। इरापल्ली क्षेत्र में माओवादी नेताओं के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने पर 9 फरवरी 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विभिन्न टीमों को शामिल करते हुए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। इलाके की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में शस्त्रों से लैस माओवादियों ने सैनिकों को घेर लिया और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाला और साहसिक जवाबी कार्रवाई की। माओवादी तितर बितर होकर अपने मृत साथियों को घटनास्थल पर छोड़कर भाग खड़े हुए। ऊंचाई पर पहुंचते ही बड़ी संख्या में मौजूद माओवादियों ने टीम पर भयंकर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दोतरफा गोलीबारी में कुछ सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने कमांडर को धराशायी देख हेड कांस्टेबल अजीत सिंह ने स्वेच्छा से निडर होकर नेतृत्व संभाला और बड़े साहस के साथ सुरक्षा कवर से बाहर आए उन्होंने माओवादियों पर एचई बम फेंका। उनको खुले में देखकर माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बावजूद इसके हेड कांस्टेबल अजीत सिंह बिल्कुल नहीं घबराए और अदम्य साहस से तब तक लड़ते रहे जब तक कि अन्य सहायक टीमें वहां नहीं पहुंची। इस प्रकार हेड कांस्टेबल अजीत सिंह ने असाधारण वीरता, राष्ट्र के लिए समर्पण तथा कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय अजीत सिंह की पत्नी श्रीमती अनीता देवी।